अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अगले हफ्ते के कुछ कॉल ऑप्शंस जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगेन रिस्क रिवॉर्ड की बात है, जैसा आपने बोला 20 डेमा 24,750 काफी क्लोज हैं हम क्रूशियल लेवल्स के। आज सुबह सुबह पहला घंटा बिलोंग करेगा आईटी स्टॉक्स को, आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली होगी। और दो दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि आईटी 20 डेमा पर आ गया, अब इसको शॉर्ट मत करिए, अब इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करने की आपकी ज़रूरत है। अच्छा, पहला घंटा आईटी को बिलोंग करेगा, इसके लिए बैंक निफ्टी पर नज़र रखें, और 10 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी ने डे हाई क्रॉस किया तो लॉन्ग हो जाएं और डे लो का स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी? निफ्टी अब नए शिखर के लिए तैयार है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 25,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो 25,200 के ऊपर नए हाइज का मूव बहुत जल्द शुरू होगा। आज की क्लोजिंग के लिए दो लेवल्स हैं, एक तो 25,150, अगर 25,150 के ऊपर आप बंद हो गए तो मार्केट में जल्दी नया हाई बनेगा। आप लेकर आइए जरा मुझे आज की 25,300 की कॉल, क्योंकि अब यहाँ का जो कॉल राइटर है, जो इवन बड़ी रैली में भी सोच रहा था कि बिरू सेफ है, वो अब वो भी सेफ नहीं है। और एक चीज़ जो मैं बात कह रहा था कि अगर मार्केट आज ही ऑल टाइम हाई हिट कर दे तो मुझे हैरानी होगी नहीं। ऑप्शन ने तो चलना शुरू किया, वहाँ से तो मूव आना शुरू हुआ इस ऑप्शन में, 15 रुपये से 97 रुपये का मूव है, मतलब 25,300 पे लग रहा था कि बड़ा मूव आ गया, अब तो हम 25,400 पर आ गए और 25,400 पर भी हम रुक नहीं रहे हैं। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर वीरो, और देखो शो के शुरू में बात हुई थी कि आज ही आपको ऑल टाइम हाई दिख जाएगा, और हैरान मत होइएगा अगर आज ही आपको ऑल टाइम हाई दिख जाए तो, लीजिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो कल कमाल का मार्केट था, और आखिरी 1.5 घंटे में वाकई मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रहा होगा, लेकिन अनुज के लिए नहीं था। नहीं, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। नीरज आज तक गुड मॉर्निंग। नहीं, क्या होता है ना, देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, हम लॉन्ग थे मार्केट में, मतलब व्यू हमारा लॉन्ग का, दो दिन से कह रहे थे कि लॉन्ग रहिए। और इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग कहेंगे कि किसी को नहीं पता था वाकई में, लेकिन मैं बार बार चीज़ें वही कहता हूँ कि आप अगर ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इवेंचुअली कल मुझे इतने मैसेजेस आए हैं मेरे पर्सनल मैसेज पर, ईमेल्स पर बहुत मैसेजेस आए हैं। मैं मतलब कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी अच्छी, क्योंकि कल लोगों ने बहुत पैसा बनाया। और ये वाला जो पैसा है ना, ये स्पेशली जो रिटेल है, ये हम पर ना आँख मूंद कर भरोसा करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनके प्रति। तो कल जो एक व्यू लिया था कि नहीं बस अब बने रहें, इवन क्लोजिंग में, और बस 2 बजे हमने शो स्टार्ट किया और उसके बाद बस वन वे रैली, और रश्ता आपने मिस कर दी कल वो रैली। मैं यही बोलने वाली थी कि जितनी अच्छी फीलिंग अनुज को आ रही थी ना, उतनी बुरी फीलिंग मुझे आ रही थी, क्योंकि मैं इनफैक्ट बाहर एक शूट पर गई थी और फिर वहाँ पर मैं देख रही थी निफ्टी कहाँ पहुँचा, अच्छा 25,400 की तरफ 438 हो गया ना, उस लाइक व्हाट अ डे टू मिस द एक्शन, लेकिन बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा मूव था। अच्छा अब एक चीज़ करते हैं, चलिए ठीक है, वो प्रोमो वगैरह तो प्ले हो गया, लोगों ने पैसा बना लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कल वाकई में FIIs को भारत पर प्यार आया या कुछ और हुआ कल? क्योंकि कल कैश में FIIs की 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हुई है, और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि 7,000 करोड़ की बाइंग क्यों हुई। अब कल 2 बजे के बाद सारा मूव कल 2 बजे के बाद आया, कल 2 बजे के बाद निफ्टी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हुई, और कल 24,200 से लेके 24,400 तक की जितनी कॉल्स थी उनमें सब में बड़ी तेज़ी आई। 25 पैसे से 1 रुपये की कॉल्स 100 से 300 रुपये हुई। अब एक बार वो कॉल्स लेकर आइए, हमने 24,400 दिया, वो 25 उसको अगली बार ठीक कर देंगे, वो 25,200 25,400 की कॉल्स थी, 25,200 25,400। अब देखिए कॉल्स 25,100 की कॉल 22 रुपये की कॉल 424 रुपये हुई, लेकिन गेम था असली उसके नीचे, 25,200 की कॉल 150 रुपये की कॉल 223 रुपये हुई, 25 पैसे की 25,300 की कॉल, अब 25 पैसे पर मैंने रेकमेंड भी नहीं किया था, मैं तो 12 रुपये पर रेकमेंड किया था, लेकिन आप समझिए कि 12 रुपये से भी वो 123 रुपये पर गई, और 25,350 की कॉल 15 पैसे वाली 74 रुपीज़ पर गई, और इसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो सवाल ये है कि 7,000 करोड़ की आपने कैश में बाइंग की, लेकिन उसके सामने आपने 20,000 करोड़ से ज़्यादा ऑप्शंस में पैसा बना लिया, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में कुछ गलत हुआ, लेकिन
आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अगर आप समझ लें कि किस दिन ऑप्शंस को चेस करना है और किस दिन दूर रहना है। अब होगा क्या, कल ये गेम हुआ ना, अगले थर्सडे को हर कोई आ जाएगा बाय करने के लिए और उस दिन मार्केट कुछ नहीं करेगा, उस दिन मार्केट फ्लैट रहेगा। ये हो क्या रहा है, ये जो हमने पहले भी बात की थी कि ये मिलेनियम और वो जो जो दूसरा म्यूचुअल जो दूसरा फंड था, अभी नाम भूल गया मैं उसका, जेन जो था, उनके बीच में जो केस चल रहा है उससे निकल कर आया था कि इन हेज फंड्स ने इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी, क्योंकि यहाँ पर रोज ऑप्शन की एक्सपायरी हो रही है तो रोज इनको काफ़ी बड़ा पैसा बनाने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि क्या, ये तो एक थ्योरी है, दूसरी थ्योरी ये है कि क्या रेट कट जो अब स्टार्ट हुए हैं उससे पहले FIIs बाय कर रहे हैं। FIIs की बाइंग तो स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं है कि पिछले 3-4 दिन से FIIs बाय कर रहे हैं, बस ये है कि कल एकदम से 7-7.5 हज़ार करोड़ आ गया। उससे पहले हर्षदा आप मेंशन कर रहे थे सुबह के शो में 1500-1600 करोड़, इस तरीके की बाइंग तो FIIs की रोज हो ही रही है, लेकिन कल एकदम कल का बहुत बड़ा पोर्शन, कल का बहुत बड़ा नंबर था, उसमें 100% ये ऑप्शंस का एक वो डेटा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अल्टीमेटली हुआ क्या, देखिए अगर आज FIIs ने सेलिंग की तो इस थ्योरी को और थोड़ा वेट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगर आप ट्रेंड के साथ रहें तो आपको मुनाफा मिलेगा। मेन चीज़ ये थी, कल आप कंप्लेन वो लोग कर रहे होंगे जिन्होंने इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग थे या आपने कल भी इस मार्केट में लॉन्ग ऐड किया तो आपने बहुत पैसा बनाया होगा, फिर चाहे वो ऑप्शन में कुछ गेम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो पैसा बनाने से मतलब है। वेंसडे को हमने वो हर्षदा वो कॉल ली थी 25,000 की अगले हफ्ते की लेने को कहा था 130 वाली, वो 500 रुपये से ऊपर गई कल स्क्रीन पर, और वो 12 रुपये की कॉल तो हो ही गई, खैर 120 रुपये। कभी कभी चेस करना होता है आपको, और इस सब का एक फिर मतलब निकला, बड़े ट्रेंड का सम्मान करें और उसके साथ रहें। पिछले एक हफ्ते में मेरी कुछ ट्रोलिंग हुई वैसे, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार एक व्यू लेकर चल रहा था कि मार्केट में न्यू हाई लगेगा, मार्केट में न्यू हाई लगेगा। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सिर्फ हरा दिखता है, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि सिर्फ मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, एक बार भी मैंने शॉर्ट नहीं बोला। उसका कारण यही था, क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड मूव में ना 100-200 पॉइंट बना भी लेंगे, आप बड़ा मूव मिस कर देंगे, आप वो 2000-3000 पॉइंट वाला मूव मिस कर देंगे। कल जो लोग परसों शॉर्ट करके गए होंगे, कल उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी लॉन्ग करने की, तो इसके लिए बड़े ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है और उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और बड़ा ट्रेंड आपको हमें